अभी जो 4 दिन का जो शिविर हुआ था उसमें मेरा लड़का आया था आपके वहाँ शिविर में, और उस शिविर में उसको इतना आनंद, इतना मज़ा और इतना आनंद आया, और उसमें ये अभी आने के बाद उसमें इतना परिवर्तन हो गया है, इतना परिवर्तन हो गया है हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना परिवर्तन उसमें आएगा। यहाँ तक वो पहले टीवी देखने में इतना दीवाना था देखने का, अब जब से वो आया है उसने टीवी ऑन ही नहीं किया है, और बोलते हैं पापा टीवी नहीं देखने का ऐसा अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं उसमें, ऐसा ही है, और अभी हमको ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा करना है। और यहाँ तक कभी तो जब भी मैं टीवी ऑन करता था और मेरे पास रिमोट कंट्रोल था तो हाथ में लेके खुद चलाता था, अभी तो मेरे को बोलता है पापा बंद कर दो, इसमें कुछ नहीं है, इतना उसमें परिवर्तन आ गया है। और यहाँ के 4 दिन जो रहा उसमें इतना उसको एटमॉस्फेयर पसंद आ गया कि मतलब यहाँ रहने को उसको दिल हो गया है। लेकिन बोला कि पूज्य निरुमा ने बोला है कि आप पहले पढ़ाई पूरा करो, अभी वो सेकंड ईयर बीकॉम में पढ़ता है, तो अभी मैं ज़्यादा पढ़ूंगा। मैंने भी उसको ऐसे ही बोला अभी तुम पढ़ाई पूरा करो, फिर जो होगा बाद में देखेंगे। तो इतना उसमें हो गया हम तो सोच भी नहीं सकते। ऐसा है, आप जो बात आप सैकड़ों बार बच्चों को कह चुके होंगे, हाँ, वो हम सिर्फ एक बार ही बताते हैं, लेकिन आप सैकड़ों बार कहते उसकी असर उन पर नहीं होती है, और हम एक बार ही बताते हैं तो उसकी उन पर बहुत गहरी असर हो जाती है और उनको परिवर्तन कराते हैं। अभी जिस शिविर का आप जिक्र करते हैं उस शिविर में अभी करीबन कुछ हज़ार बच्चे आए थे, अलग अलग शहर से आए थे, दूर दूर से आए थे। तो उसकी वजह क्या हो सकती है, यह आप माता पिता ने सोचना चाहिए, उसका संशोधन करना चाहिए। क्यों हमारी बात हमारे बच्चे नहीं सुनते हैं? कुछ हमारे में ही प्रॉब्लम है, हम कहाँ गलती करते हैं उसकी तलाश करो। हमारा तो अनुभव है कि बच्चे बहुत सुंदर हैं, ये जनरेशन के बच्चे सचमुच बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत प्रेमाल है, प्रेम वाले हैं, एक दूसरे के लिए दिल दे दे ऐसा है, जान भी दे दे ऐसे, उनमें मेरा तेरा ऐसा कुछ नहीं है ये जनरेशन में। तो यह सब अच्छी चीज़ें जो सारी उनके अंदर है, उस अच्छी चीज़ों को आप गौर से देखो, उसको एप्रिशिएट करो। इसमें से कई सारी चीज़ें आप में नहीं है, इसके विरुद्ध ही आप होंगे। थोड़ी सी बुराइयाँ उनमें भी है, नहीं है ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसका परसेंटेज कम है। उन बुराइयों को किस तरह से साइड पे कर देना और अच्छाइयों को ऊपर ले आना, यह हमारे पास यह तरीका है। और इस तरह तरीके से ही हम उनका प्रोग्रेस कराते हैं। 4 दिन में ही उनकी अच्छाइयाँ एकदम ऊपर आ जाती हैं, तो ऑटोमेटिक बुराइयाँ को सर उठाने का स्कोप ही नहीं मिलता है, वो बेचारी दब जाती है। आप क्या करते हैं, इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं, इन अच्छाइयों की और नहीं देखते हैं, लेकिन एक खादी अगर बुराई उनमें रही तो उन बुराइयों पर ही टूट पड़ते हैं, बार बार इस बात को लेकर बच्चों को कोसते रहते हैं, डांटते रहते हैं, जलीकटी सुनाते रहते हैं।
क्या आपको नहीं लगता है आपका ऐसा अनुभव है? फिर इससे बच्चों की साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, फिर आपके सामने तो शायद संस्कार होंगे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मन में तो ज़रूर आपका विरोध करते हैं, आपकी बात को नहीं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते, अपोज करते हैं। और कई दिमाग के फटे हुए रहते हैं, वो तो मुँह पर ही माता पिता को सुना देते हैं। कई माता पिता के मुंह से हमने सुना है अपने बच्चों को कहते हुए कि तेरे जैसा बेटा मुझे नहीं पैदा होता था तो अच्छा था। उस समय बेटे बच्चों को कितने दिल में कितना घाव लगता होगा, कितना दुख होता होगा, उसका क्या गुनाह है आपके वहाँ वो पैदा हुआ। वो तो ठीक है, वो बोलता नहीं है, लेकिन कोई ऐसे सर फटा हुआ रहता ना, बोल भी देता है। फॉरेन में तो अपने बाप को सुना देते हैं, माँ बाप को कह रहे हम कुछ आपके पास आना नहीं चाहते थे, वी आर हियर आउट ऑफ योर फन। बोलो क्या रही, क्या जवाब दोगे? तो इतना भी नहीं माता पिता समझ सकते हैं कि हमारे बच्चों को हम कहाँ तक उनको क्या कहे और क्या न कहे, उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। लिमिट के बाहर आप बोलेंगे तो बच्चों पर क्या असर होती है, ये सोचना चाहिए। प्रणाम निर्मा, मेरे जो पापा है, मैं कोई भी काम करती हूँ तो खुशी नहीं होते। और तेरी मम्मी कोई भी काम करती है तो खुश होते हैं? हाँ, मम्मी के काम से खुश होते हैं। हाँ, कहाँ है तेरी मम्मी, पूछने दो। जय सचिन। निर्मा नमस्ते। नमस्ते। ये बेटी क्या कह रही है आपकी? हाँ, बेटी के पास से मतलब जो आपने आगे भी बताया कि जैसे अपना एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है कि वो जो करते हैं उसी से भी ज़्यादा काम अच्छा करे या ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करे, ये इसके वजह से वो जो हो रहा है उसके उसमें वो नहीं, अपने को संतोष नहीं होता है। इसमें आपने क्या करना चाहिए कि उसको एनकरेज करना चाहिए। एक्सपेक्टेशन नहीं करना, लेकिन एनकरेज करना चाहिए। निर्मा, मैं कुछ भी करती हूँ तो हाँ 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 और बस चले जाते हैं, लाइक कुछ भी नहीं कहते हैं, लाइक ओके डू दिस वर्क। तो उसके लिए निर्मा क्या करना चाहिए उनको? उसकी बात प्रेम से सुनो तो सही, थोड़े पैर तो टिकाओ। वही मुसीबत है। पैर टिकते नहीं। तो उसके उसको तो फ्रस्ट्रेशन हो ही जाएगा कि मैं बोल रही हूँ और ये तो मेरी बात सुन रहे हो, मैं तो यहाँ भी बात पूरी बोल भी नहीं पाई और वो तो वहाँ भाग गए, कहीं के कहीं पहुँच गए। और निर्मा, मैं जब मैं पापा से कुछ भी बोलती हूँ तो सुनते ही नहीं है, 3 बार बोलना पड़ता है फिर सुनते हैं। वो कान के बहरे नहीं है बेटी, ध्यान के बहरे है। सही बात है, ध्यान कहीं और होता है और आप बोलती हैं। तो उसके लिए निर्मा क्या करना चाहिए? उसको अटेंशन देना चाहिए। कोई भी अपने साथ बात करते हैं, आप औरों के साथ बात करते हैं, अपने बॉस के साथ या कोई बड़े बाहर के कोई आए मेहमान आए तो वो जब बात करते तो क्या उनको 3 बार बोलने लगाते हैं? ना, नहीं लगाते। तो फिर बेटी को भी उतना ही कुछ इम्पोर्टेंस दो जब वो बात करती है तब। निरुमा प्रणाम, मेरी बेटी को वो वहाँ से आए थे तो वो सोचती थी कि मेरे डैडी यहाँ आएंगे तो मेरे साथ बैठ के बातें करेंगे और वो ऐसा सोचती थी। वो तो ठीक है, लेकिन वो जब आए तो बोले कैसे है बेटी, ठीक है बस ऐसा। और फिर बोले कि मैं उसको मिलने जाता हूँ, उसको मिलने जाता हूँ, वो घर में इतना ही। और फिर अपने फ्रेंड में
ज़्यादा उसकी दिलचस्पी है बोल, और घर घर में टिकते ही नहीं, टिकते ही नहीं। और वो उसको एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि हमारा घर, हमारे हमारी बेटी, हमारी वाइफ, सबको ऐसा लगे कि अच्छे हैं, वो उसके मन में ये भाव है, मुझे ऐसा लगता है। और अपना उस अपनी क्या फर्ज है बच्चे के प्रति वो नहीं सोचते, नहीं उसके दिमाग में आता ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और निर्मा समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिया इसलिए आते हैं कि दूसरे लोग को मिलने आते हैं, मैं एक एक्सक्यूज हूँ कि वो लोग सबको ये कहते आते हैं कि मैं अपने बेटी से मिलने जा रहा हूँ और फिर यहाँ मेरे साथ कुछ भी बातें ही नहीं करते हैं। तभी थोड़ा सा चेंज करो, बातें करो, निर्मा भी करेंगे, टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड लोगों के लिए इतना टाइम मत दो, इधर उधर मत दौड़ो। और दूसरी बात ये बात है कि वो यहाँ आते हैं लेकिन उसको फिरना बहुत, घूमना बहुत अच्छा लगता है, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे यहाँ घूमने के जाना है। ऐसा करो, बेटी को लेके घूमने को जाओ, फ्रेंड्स को लेके जाते उसके बजाय बेटी को लेके जाओ। हाँ भी ऐसा ही करेंगे, तो 100% टाइम उसके साथ ही स्पेंड होगा। और अगर हमें नहीं घूमने को जाना है लेकिन फिर भी बोलते हैं हम साथ चलेंगे, हाँ ये भी ना बोलती है कभी, मैं भी ना बोलती है, बोले वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स के वहाँ उनको क्या इंटरेस्ट, आप अकेले कहीं ले गए तो ठीक है लेकिन फ्रेंडों को लेके जाएंगे तो उसको क्या मजा आएगी, आपका तो टाइम मिलेगा ही नहीं। और जो सगा संबंधी है उनके पास भी, यहाँ तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, हमें तो ये ऐसा करना ही पड़ेगा, वो तो उनका तो ये कि भी वो तो यहाँ रहते नहीं, लंदन में रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ मेरी बेटी के साथ, और वो सारे साल में एक भी दफ़ा वो फ़ोन नहीं करते लेकिन फिर भी वो बोलते वहाँ हमें जाना पड़ेगा, हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा, इसमें से निकलते ही नहीं, तो क्या करना चाहिए निर्मा, उसमें कैसे बैलेंस करना चाहिए कि अपनी फर्ज जो है वो बजानी चाहिए या उनको छोड़ देना चाहिए? पहली फर्ज किसकी है उसको देखो, पहली फर्ज तो अपनी फैमिली की है, हाँ घर के घर वालों की है। अब बहुत हर 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 बार हर साल आते हैं तो इन सारों सब लोगों को कह देना कि मैंने में दो तीन दिन मेरे घर में ऐसे दिन रखे हैं कि जिस दिन आप सब मेरे फ्रेंड्स हैं या तो मेरे सब रिश्तेदार हैं सब आओ मेरे साथ रहो, टाइम स्पेंड करो, खाओ पियो मज़ा करो और अब बाद में आप अपने अपने घर चले जाओ, बस तीन दिन मैं आप सबके लिए स्पेंड करता हूँ, मैं हर किसी के घर मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग आओ वेलकम। अगर वो नहीं आना चाहते हैं, नहीं आ पाते हैं तो नमस्कार, हमारी फर्ज पूरी हो गई, हर समय उनके घर जाना ऐसा थोड़ी लिखा है, कभी वो भी तो आ सकते हैं। और बहुत हो गया, वो सोचते हैं हमारा अच्छा नहीं दिखाई देगा, लोग हमारी बातें करेंगे, यही उसके मन में चलता है। कोई बात करने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है, आप लंदन वाले के पास टाइम है, उनके पास नहीं है, इंडिया वालों के पास। अरे इतने अपने टेंशन में है, उनके पास अपने टेंशन का हल करने का टाइम नहीं है तो आपको आपके साथ आपकी बारे में बातें करने का कहाँ से टाइम होगा, सब अपनी अपनी चिंता में पड़े हुए हैं, किसी को कोई पड़ी नहीं है। आप जाओगे तो बहुत अच्छा, नहीं गए तो कुछ भी नहीं, एक आध बार बोलेंगे आप तो आए नहीं मिले नहीं, बस बाद में कोई आपको याद करके रोते हैं ना, कोई रोते नहीं, तो बेटी तो रोती है और कभी वो फ़ोन भी नहीं करते, तो ये साफ दिशा दिखाई देता है कि उनको कोई हमारी याद ही नहीं आती होगी। ये बहुत हो गया, उसका भी लिमिट रहती है, सो तय करके 2 साल या 3 साल में एक बार सबको मिलने जाएगा, बाकी का टाइम इसके साथ स्पेंड करें, 1 साल वो लोग आओ 1 साल मैं आऊँगा, कॉम्प्रोमाइज़ करो, कॉम्प्रोमाइज़। और निर्मा मेरी एक दोस्त है, उसके साथ मैं हर रोज़ झगड़ा करती हूँ और कभी कभी मुझे दुख होता है, पर जब वो नहीं होती तो मुझे उसकी बहुत याद आती है, तो अब मैं क्या करूँ? दोस्त, अरे इसका ही नाम है अटैचमेंट,
उसके बगैर चलता नहीं है और वो रहती है तब उसके उसके साथ झगड़े बगैर भी चलता नहीं है, अटैचमेंट है। तो ये अटैचमेंट इतना अच्छा नहीं है, नॉर्मलिटी में रहना चाहिए। दुख होए यहाँ तक का अटैचमेंट नहीं चाहिए। फ्रेंडशिप यानी फ्रेंडशिप, एक दूसरे से साथ अपना जो कि पढ़ाई है, खेल कूद है या दूसरी बातें हैं उसके लिए हमारा साथ है। लेकिन हम लड़के झगड़ के दुख झगड़े करें इसके लिए फ्रेंडशिप नहीं है। निर्मा पर हमारा झगड़ा भी ऐसा होता है कि 5 मिनट के बाद हम एक दूसरे के साथ बोलने लगते हैं। तो पोपट मस्ती कहा जाता है इसे। तो फिर दुखी काय को होते हैं, दुखी कितना टाइम रहती है, फिर 5 मिनट के बाद दुख चला जाता है। तो क्या प्रॉब्लम है, 5 मिनट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं पर समटाइम्स बाद में ये याद आता है कि ये हमने कौन से टॉपिक पे झगड़ा किया था या मुझे क्या दुख लगा। तो समटाइम्स जब पायल हो जाता है तो फिर मुझे बहुत दुख लगता है। ऐसा होता है कि तब भूल जाते हैं पर बाद में जब थोड़ा बहुत हो जाता है ना तभी याद आता है कि ऐसा किया था, ये हर बार ऐसा ही करती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा नहीं सोचना क्या, फिर भूल जाना। 5 मिनट के बाद भूल गए तो फिर हमेशा के लिए भूल जाना, फिर बाद में याद करके नहीं सोचना कुछ, उसको कुछ इम्पोर्टेंस नहीं देना। छोटी छोटी बातों के लिए होता है ना, थोड़ी बड़ी बातों के लिए होता है तो उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, महत्व ही नहीं है क्या, उसको फिर याद नहीं करना है, गॉन फॉर एवर। निरुमा प्रणाम, अभी बात हुई थी पहले कि इंसान जब मरता है तो उसकी क्या पोजीशन होती है, उसकी कैसे जी निकलता है। आपने बताया कि बहुत तकलीफ़ होती है, तो मैं एक आपको किस्सा बताना चाहता हूँ कि एक हमारे रिलेटिव थे, उनको एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद 4-5 कलाक के बाद डॉक्टरों ने बताया कि भाई इनका डेथ हो गया है, और उनको जो भी नली थी जो भी कुछ लगाया था वो सब डॉक्टरों ने निकाल दिया। अब संयोगवश ऐसा हुआ कि 4-5 कलाक तक वो लाश वहाँ पड़ी रही, फिर 5 कलाक के बाद उस आदमी में प्राण का संचार हुआ और वो जी गया। उनको मैंने पूछा कि जब डॉक्टरों ने बता दिया आपको कि आप गुजर गए थे तो, और आपको उस टाइम पर जब आपको ये हुआ तब आपको क्या महसूस हुआ था। उन्होंने ऐसा बताया कि जैसे लाइट बंद हो जाती है और अंधेरा छा जाता है, वैसा मैं मुझे हो गया, लाइट जैसे बंद हो गई, बस मुझे और कुछ पता नहीं चला। और जब मैं जागा तब मेरी ऐसी पोजीशन थी कि मैं आजू बाजू का कुछ सुनने लगा, कुछ आवाज़ें आने लगी मुझे, वो आवाज़ आई, फिर बाद में थोड़ा 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 मेरे शरीर में कुछ संचार हुआ और मैं जागा। तो डॉक्टरों ने भी बता दिया था कि ये आदमी अभी नो मोर, तो उनकी क्या पोजीशन होगी, ये उस टाइम पर क्या उनकी हुआ होगा। ऐसे कई किस्से बहुत रेयरली पर ऐसे बनते हैं, नहीं ऐसे नहीं। इस योग मार्ग में ये कहा गया है कि जब जी निकलता है तब यहाँ किसी का नहीं निकलता है, लेकिन ब्रह्मरंध्र में वहाँ अटक जाता है तो सारा शरीर निश्चेतन हो जाता है, लेकिन जीव शरीर संपूर्ण छोड़ के नहीं चला जाता है, यहाँ ब्रह्मरंध्र में वहाँ रहा है, रहता है, अटका हुआ रहता है। तो इन भाई का ऐसा कुछ हो सका हुआ होगा, तो डॉक्टर को लगा कि इस हार्ट बीट सब कुछ बंद हो जाता है, लंग्स सब फंक्शन बंद हो जाता है,
तो ऐसा लग गया कि ये गया, मर गया. लेकिन इत्तेफाक से उसका यहाँ जो चढ़ गया था वो नीचे उतरता है, तो वापस ब्रह्मरंध में से डाउन आता है, तो वापस उसका संचार चलता शुरू हो जाता है. चेतना वापस आई ऐसा अनुभव होता है. तो लोगों को ऐसा लगता है कि मरने के बाद वापस जिंदा हुआ, वाकई वो मरा ही नहीं था. ऐसा हो सकता है और होता भी है, कई लोगों का ऐसा हुआ भी हो. निरुमा, मैं जब एग्ज़ाम होती है मेरी, तब मैं पढ़ने बैठती हूँ, सब पढ़ लिया होता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ नहीं आता और मैं रोने लगती हूँ, ऐसा क्यों होता है? यह निगेटिव थिंकिंग और क्या, वही चीज़ फिर आता है, वह भी भूल जाती हो. इसके लिए आप मुझे शक्ति दो कि ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे, ऐसा कुछ आवरण है ज्ञान का कि क्या है? नहीं, आप नेगेटिव सोचती है ना कि मैं भूल गई हूँ. नहीं, भूल कुछ नहीं जाती हूँ, सब कुछ मुझे आएगा. अभी कुछ थिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है. जितना कुछ पीछे आगे पीछे पढ़ा है वो सारा पढ़ाई किया हुआ एग्ज़ाम के टाइम में खुद ब खुद याद आएगा और लिखा जाएगा.